इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। अगर मोदी की गारंटी है तो पूरे देश में 450 रुपए में सिलेंडर दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे देश के पीएम हैं, फिर भेदभाव क्यों? भूपेश बघेल। यूपी के आगरा में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर चेक लेकर पहुंचे भाजपा मंत्री, मां रोते रोते बोली, ये प्रदर्शनी मत लगाओ। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर होल्डिंग तैयार थे, लेकिन सारी प्लानिंग खराब हो गई, सुप्रिया श्री ने। अगर राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं? प्रभाकर मिश्रा, पत्रकार। इंडिया टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के, जिसमें पापी मौजूद थे, ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री आपके ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो ये काफी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने पर रवि शास्त्री का बयान। प्रदर्शनी ना लगाओ, मां बदहास होकर गुहार लगा रही थी, यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी। यूपी में 25 नवंबर को स्लॉटर हाउस और मांस की दुकानें रहेगी बंद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश। हम मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे और एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण देंगे, तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। उन्हें 3 तारीख को पता चलेगा कितना अंडरकरंट है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा। हमारी सरकार आने पर गरीब परिवार में जो भी बच्ची पैदा होगी उसके नाम पर हम 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। आजमगढ़ से दाऊद इब्राहिम भी जीत सकता है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की। राहुल गांधी तो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए, राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का बयान। हमें हर हिंदू तक पहुंचना होगा, संपर्क साधना होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि वे एक दूसरे से जुड़े और मिलकर दुनिया से कड़ी जोड़े, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। राहुल गांधी फाइटर हैं, वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग को ढंग से जवाब देंगे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान। इसराइल हमास के बीच अस्थाई युद्ध विराम शुरू हो गया है, हमास अब इसराइली बंधकों को छोड़ेगा। पाकिस्तान ने सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को तबाह किया, बताया जा रहा है कि यह मंदिर यूनेस्को से मान्यता प्राप्त। तेलंगाना में 30 नवंबर को ऊंट से पहले पुलिस ने कार से 5 करोड़ रुपए बरामद किए, पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हलाल प्रोडक्ट के नाम पर देश के बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है, इसे बैन किया जाए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। चीन के रहस्यमय बुखार को लेकर भारत सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय बोला आपात स्थिति के लिए तैयार रहे। महाड़ा के 11,000 घरों की कीमतें होगी कम, मुंबई से बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने राजस्थान पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुंबई पुलिस का मुंबई में बड़ा एक्शन, अक्टूबर तक 410 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त। बोरीवली विरार को जोड़ने वाली 5वीं और 6वीं लाइन पर काम 1 दिसंबर से शुरू होगा। आम लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए बीएमसी अस्पतालों में 0 प्रिस्क्रिप्शन नीति लागू करने के निर्देश। मुंबई में मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से 525 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला।